साल था 1958 का, जब ऑक्सफोर्ड के एक रिसर्चर जॉन गर्डन ने पब्लिकली ये अनाउंस किया कि उन्होंने सफलतापूर्वक एक वर्टिब्रेट का क्लोन किया है, और वो वर्टिब्रेट कोई और नहीं बल्कि एक मेंढक यानी कि फ्रॉग है। फिर 1996 में स्कॉटलैंड में मौजूद रॉसलिन इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने एडल्ट सोमैटिक सेल से फर्स्ट मैमल को क्लोन करने की जानकारी पब्लिकली जारी की, और वो मैमल कोई और नहीं बहुत ही जाना पहचाना डॉली द सीप थी। और ये न्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा फैली थी, और इतना ही नहीं ये प्रयोग इतना सक्सेसफुल था कि डॉली के 6 बच्चे भी थे, डार्सी, कॉटन, लूसी, बोनी, रोजी और सैली। तो आप आ गए। देखिए ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर नहीं रुके थे, इससे पहले और इसके बाद न जाने कितने ही जानवर क्लोन किए गए, जिनमें कुत्ते, बकरियां, गायें, यहाँ तक कि चूहे भी शामिल थे। और कितने एनिमल सक्सेसफुली क्लोन किए गए अगर इनके बारे में आपको जानना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक पेज का लिंक दिया है, उसे जाकर चेक करें। देखिए हमने बड़े स्तर पर क्लोनिंग तो देख ली, पर यहाँ पर आप सब तो जीन क्लोनिंग के बारे में जानने के लिए आए हैं। तो देखिए जीन क्लोनिंग ज़्यादा कुछ होता नहीं है, पर उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। देखिए जाने से पहले हमने आपसे एनिमल क्लोनिंग के बारे में बात किया था, ये डॉली, फ्रॉग, स्नूपी ये सब तो पुराने हो गए। अभी हाल ही में एक नया न्यूज आया है, या यूं कहें एक नया एनिमल क्लोन किया गया है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो शॉर्ट्स चेक करें। और हम चलते हैं जीन क्लोनिंग पर। जीन क्लोनिंग ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस अपने पसंद के जीन को निकालना होता है, किसी वेक्टर में घुसेड़ कर दूसरे किसी होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद उस होस्ट की ढेर सारी ग्रोथ करा के मार्कर्स या अदर मेथड से उनका सेपरेशन कर लिया जाता है, और इस तरह हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले बात हम करेंगे अपने फेवरेट जीन को अलग करने के बारे में, यानी कि आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए हम दो मेथड्स का यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड में हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे, जो कि हमें ब्लंट या स्टिकी एंड्स देगा। अब जिन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये डीएनए को जगह जगह से कट करते हैं। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानना हो तो प्रीवियस वीडियो चेक करें। बस इसीलिए कहते हैं वीडियोज़ को समय से देखा करिए, और जो प्रॉब्लम हो उन्हें कमेंट करें। ओह तो कहाँ थे हम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वहाँ और सेकेंड मेथड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, और यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूँ कि इस मेथड में हम आरएनएस का यूज करते हैं, mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से हम सेंट्रल डॉगमा को पलट देते हैं, या यूँ कहें उल्टा कर देते हैं, और mRNA से हम cDNA या यूँ कहें कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना लेते हैं, और फिर वही हो गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब चूंकि ये कटा हुआ जीन या यूँ कहें DNA फ्रेगमेंट खुद से तो रेप्लिकेट करेगा नहीं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 तो होंगे नहीं, तो इन्हें हम किसी वेक्टर में ऐड कर देंगे। अब वेक्टर क्या होते हैं आप ये सोच रहे हैं ना, रुकिए मैं बताता हूँ। अगर थ्योरेटिकली देखें तो वेक्टर ऐसे डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करें, जैसे कि आपके प्लाज्मिड्स। और हाँ, वेक्टर कभी भी 300 किलोबाइट से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते, औसतन यानी एवरेज 300 किलोबाइट। वेक्टर साइज हमेशा छोटे होने चाहिए ताकि उनका होस्ट सेल में इंसर्शन आसान हो सके, यानी कि उन्हें आसानी से सेल के अंदर डाला जा सके। चिंता मत कीजिए, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और हाँ, वेक्टर्स के पास रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज के लिए साइट्स भी होने चाहिए, यानी कि ऐसे जगहें होनी चाहिए जहाँ पे वो एंजाइम उन्हें कट कर सके। देखिए फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हुआ, आइसोलेशन ऑफ इंटरेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स या जीन, एंड द सेकेंड स्टेप इज जीन का वेक्टर में इनकॉर्पोरेशन, या यूं सीधे सीधे कहें जुड़ना। अच्छा आपको क्या लगता है इनको हम कैसे जोड़ेंगे? इनको जोड़ने के लिए जिस ग्लू का यूज किया था उसका नाम हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। एक हिंट दे, उसे मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। बिल्कुल सही, हम लाइगेज का यूज करेंगे। देखिए वेक्टर के लिए हम बहुत सारे प्लाज्मिड्स या बैक्टीरियोफेज का यूज करते हैं। प्लाज्मिड मोस्टली BAC होंगे या YAC। क्या आपको BAC YAC नहीं पता?
देखिए, BAC का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और YAC मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। कुल मिलाकर मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम बैक्टीरियल प्लाज्मेट छेड़खानी करेंगे तो उसे हम BAC, और अगर ईस्ट के प्लाज्मेट छेड़खानी करेंगे तो उसे YAC। और आपके लिए एक सवाल, ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? आप कमेंट करके बताइएगा, साथ में अपना भी नाम लिख दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके, और जिसका आंसर सही हुआ उसे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट जरूर मिलेगा। देखिए, सेकेंड स्टेप में हम कटे हुए जीन्स का मिक्सचर और कटे हुए प्लाज्मिड्स का मिक्सचर आपस में मिलाकर उसमें लाइगेज एंजाइम डाल देंगे, और लाइगेज क्या करेगा? बिल्कुल सही, जोड़ देगा। पर इस टेक्निक में एक प्रॉब्लम है, एक प्लाज्मिड से एक जीन भी जुड़ सकता है, एक से ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं, या कोई भी जीन नहीं जुड़ सकता। यानी कि कौन सा प्लाज्मिड सही सही जुड़ा है, अब तो हमें ये भी पता करना होगा, एक नई प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पर बारी आती है सिलेक्शन की, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाना है और नेक्स्ट वीडियो भी लगभग कंप्लीट ही है। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम टॉपिक के साथ। अगर आपको कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।